तीनों विधायकों का पैसा था, मेरा यदि 16 लाख रुपया था तो विक्सल का 18 लाख रुपया था, 19 लाख रुपया था, ये मिला के करीब 49 लाख रुपया था। और इसको इस तरह से कम मैं ममता दीदी को कहूँगा कि हमें कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, कांग्रेस मेरा रगरग में है, हम अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन हैं, सरकार आप लोगों ने रंग देकर मुझे फंसाने का काम किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ममता दीदी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन हमेशा मैं ये कहूँगा कि हमेशा मैंने उनका सम्मान किया है, हमको पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए हमें फंसा दिया गया। क्या लग रहा है आपको, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत क्या षड्यंत्र है और किसको दोषी देते हैं इसमें? अब मैं जा रहा हूँ, देखिए आप असम में, असम का लिंक जो बताया जा रहा है इसको कितने तक बोलते हैं? बीजेपी से कोई लिंक नहीं है। एक मैं इरफान अंसारी, मैं अल्पसंख्यक हज कमेटी का चेयरमैन हूँ, 2 बार का विधायक हूँ, मेरे पिताजी लंबा समय से राजनीति के 30 साल मिले रहे, एमपी रहे, मंत्री रहे, मैं उनका बेटा, मैं बहुत स्ट्रगल किया हमारे साथ, विक्सल कोंगाड़ी जो है वो क्रिश्चियन समाज का पादरी है वो, और राजस्थान आदिवासी समाज का नेता है। हम लोग को भाजपा कभी सूट नहीं करती है, हम लोग भाजपा में क्यों जाएंगे? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हम लोग किया कि आप सरकार गिराने के चक्कर में, गवर्नमेंट गिराने के लिए, सरकार गिराने को लेकर क्या कर रहे हैं? कांग्रेस आपको निष्कासित कर दिया है, कांग्रेस। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।